चलिए दोस्तों, मैं आज आपको GST में बिगर लॉगिन करे चालान कैसे पैट करने हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र खोलना होगा। इसके बाद हमें GST.govt डाल के सर्च करना होगा। इसके बाद ये GST.government.in वाली साइट में क्लिक करेंगे। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में हमें पेमेंट में जाके क्रिएट चालान करना होगा। क्रिएट चालान में हमें के बाद ये कैप्चर कोड डालेंगे, प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम हमारा जो CGST है और SGST है और जो कुछ भी है वो हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद ई पेमेंट में क्लिक करेंगे और जनरेट चालान में क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें री एंटर GST नंबर का ऑप्शन आएगा, इसमें हम अपना GST नंबर डालेंगे। ये हमारा चालान जनरेट हो गया है। हम नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे, जो भी हमारे पास जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग है उसको सिलेक्ट करके टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके मेक पेमेंट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद बैंक की साइट खुल जाएगी, उसमें आपको अपनी नेट बैंकिंग आईडी से लॉगिन करना है और ओके दबा के पेमेंट को सबमिट करना है। थैंक यू।